मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे विंडोज़ 10 में जो आने वाले एक एरर की, जो कि आप लैन कनेक्शन में देखते होंगे या चेक करते होंगे जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं। विंडोज़ 10 बूट होने के बाद डेस्कटॉप ओपन होता है तो उसमें जो है लैन डिसकनेक्टेड दिखाता है, या फिर वाईफाई का जो साइन होता है, वाईफाई कनेक्शन का जो यहाँ पर आइकन होता है वो आपको शो ही नहीं होता यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं इसमें। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडोज़ आर प्रेस करेंगे और इसमें एक कमांड होती है पिंग 127.0.0.1 स्पेस माइनस टी। दोस्तों ये बेसिकली लूप बैक का एक लैन कार्ड की एक पिंग होती है, जो कि अगर आपका कंप्यूटर किसी लैन से कनेक्टेड नहीं है तब भी इस पे कनेक्टिविटी शो करेगा। बेसिकली ये हार्डवेयर को चेक करता है, इसको बोलते हैं लूप बैक इंटरफेस होता है ये। और ये जैसे अभी इसमें शो कर रहा है तो इसका मतलब लैन कार्ड आपका ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरनेट ऑप्शंस में जाते हैं। आपको कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस जल्दी से बता देता हूँ, तो जल्दी जल्दी करेंगे इसको। इंटरनेट ऑप्शंस में जाएंगे और एडवांस्ड में, इसमें दोस्तों सबसे पहले तो आप इसको रीस्टोर एडवांस सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ सेटिंग्स ऐसी हो जाती हैं जो आपको उस टाइम पता नहीं होती, लेकिन वो बाद में आगे चल के वो आपके कुछ और किसी और चीज़ में प्रॉब्लम करने लगती हैं। तो इसको आप जैसे ही आप रीसेट करेंगे और या इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो वो सारी चीज़ें रीसेट हो जाएंगी। तो इसको आप कर सकते हैं, एक तो रीसेट कर सकते हैं, इसके अलावा आप विंडोज़ आर बटन दबाएंगे और एक विंडोज़ की कमांड होती है सर्विसेज डॉट एम एस सी। सर्विसेज डॉट एम एस सी को आप लिख के ओके करेंगे तो इसमें विंडोज़ की जो सर्विसेज होती हैं वो ओपन हो जाएंगी। और इसमें आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाएं, इसमें डब्ल्यू में चले जाएं, डब्ल्यू लैन एक होगी, डब्ल्यू लैन ऑटो कॉन्फिग। दोस्तों इसको ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होती है, तो इसको एक बार आप जाके इसको चेक कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक पे है और ये रनिंग में होनी चाहिए। स्टॉप करने का मतलब, इसका मतलब ये रनिंग में है अभी, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और ये ऑटोमेटिक होना चाहिए और यहाँ ये रनिंग में होनी चाहिए, तो इसको भी हम कुछ चेंज नहीं करेंगे इसमें। तो ये कर सकते हैं आप इसके अलावा, और इसके अलावा आप स्टार्ट पे जाएं, इस पे जाएं, नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाएं और इसमें आप चेंज एडेप्टर ऑप्शंस में जा सकते हैं। इसमें आप लैन कार्ड को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं एक बार। मेरे केस में बेसिकली लैन कार्ड का इशू नहीं है, मेरे में लैन कार्ड का इशू है, वाईफाई का इशू नहीं है। वाईफाई मैंने डिसेबल किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसा करेंगे और उसके बाद आप अगर इससे नहीं होता है तो आप नेटवर्क एक बार रीसेट कर सकते हैं। रीसेट ना हो, रीसेट ना हो, आप इसको रीसेट कर सकते हैं वाईफाई को या लैन कार्ड को, इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं राइट क्लिक करके मैनेज में जाएं, डिवाइस मैनेजर में जाएं। अब ये देखिए जैसे ये लैन कार्ड है मेरा और इसमें ये येलो कलर का आइकन आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ एरर है, प्रॉब्लम है इसमें ड्राइवर में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अनइंस्टॉल मैंने कर दिया इसको और एक बार इसी को तभी मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ यहाँ से स्कैन फॉर हार्डवेयर। और ये देखिए इंस्टॉल हो गया इसका लैन कार्ड का ड्राइवर, और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि इसमें कनेक्टेड शो कर रहा है। ये ड्राइवर का कुछ इशू था तो ये फिक्स हो गया है। और मतलब इस तरह से आप कोई कुछ चीज़ें होती हैं जो लैन विंडोज़ 10 में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्स नहीं हो पाई हैं समहाउ। तो आप इसको बंद करें और लैन कार्ड नेट एक बार ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक दो कमांड और होती हैं जिनको कि आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप राइट क्लिक करके इसमें CMD प्रेस करें,
इसमें कुछ कमांड होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, उस तरह की कमांड आप एक बार रन करके देखें ज़रूर, उससे भी पॉसिबल सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। जैसे कि net sh winsock reset, इस कमांड से दोस्तों ये जो जो विंडोज़ का इसका जो ड्राइवर होता है वो रीसेट कर देता है, इसका जो नेट, इसका जो sh का ड्राइवर होता है winsock का, winsock एक सर्विस होती है उसको रीसेट कर देता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं ये वाली। और इसके बाद एक कमांड और होगी net sh int ip reset reset log dot txt, इस कमांड को भी आपको एक बार चलाना होगा तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और पॉसिबली तो जो जिस तरह का अगर आपका विंडोज़ चल रहा है, विंडोज़ चल रही है और सडनली आपको ये आइकन या ड्राइवर पे कुछ एरर आ जाता है कि एकदम गायब हो गया ड्राइवर, तो उसमें दोस्तों आपके लिए सबसे सिंपल और इजी सॉल्यूशन यही है, आप यहाँ पे जाइए मैनेज में जाइए, यहाँ पे देखिए आपका ड्राइवर इसमें शो कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर यहाँ पे कोई साइन वगैरह कुछ आइकन आ रहा है इसके ऊपर आप तो इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं, सीधे अपडेट कर सकते हैं, तो उससे भी आपको पॉसिबली सॉल्यूशन मिल जाएगा। और एक और आप चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे जाएंगे आप, इसमें लैन कार्ड को आप अगर आपके यहाँ पे लैन कार्ड या वाईफाई जो भी है वो आपको व्यू है अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसको डिसेबल करके इनेबल कर लें एक बार, और अगर ऑलरेडी डिसेबल है तो उसको इनेबल कर लें। तो ये दो चीज़ें मेन हैं इसमें, एक तो ये वाला और एक जो मैंने आपको ड्राइवर का बताया था, ये दो पॉसिबल मैक्सिमम सबसे अच्छे क्विक फास्ट सॉल्यूशंस हैं जिसको आप एकदम कर सकते हैं। इसमें आपने देखा ही मेरे सामने कि अनइंस्टॉल किया ड्राइवर और मैंने इसको यहीं पे रिफ़्रेश किया और उसने तभी स्कैन करके इनेबल कर दिया उस ड्राइवर को, तो आप ये भी कर सकते हैं, ये ईजीली और सिंपल और फास्ट सॉल्यूशन है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे या आपको सॉल्यूशन मिले तो प्लीज़ कमेंट भी करें और लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।